वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हर एक चीज की जो भी हमारी स्टडी होगी, स्पेशली केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो से रिलेटेड ये क्लासेज हमारे चलेंगे। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा घबराहट होती है। मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि केमिस्ट्री सबसे बेहतर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, सबसे बेहतर सब्जेक्ट। हाँ, बहुत से लोगों का अब इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट मान लीजिए इसमें है, आप कह सकते हैं कि सर आपका इंटरेस्ट है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अब ये बात करेंगे कि आखिर इंटरेस्ट आपका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब इंटरेस्ट तभी नहीं होता किसी चीज में जब आप उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है। अगर उस चीज को, हर एक चीज को, हर एक पहलू को आप समझें तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली, जी हाँ, बात कर रहा हूं केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। इन तरीकों को अपनाइए और देखिए, मेरे साथ आइए, एक एक चीज को हम लोग लर्न करेंगे, समझेंगे। आप देखना, खेल खेल में यह काफी आसान हो जाएगा। और फिर मैं कोशिश करता हूं कि हर एक टॉपिक को मैं किसी न किसी स्टोरी के थ्रू आपको कनेक्ट करूं, आपको बताने का प्रयास करूं। तो आज हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री उन लोगों के लिए, अगर आपको कोई पे दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, अरे यार इसमें तो बहुत सारी चीजें निकलना पड़ता है, बहुत सारी चीज, जैसे सपोज करिए इस तरह की कुछ चीजें आ गई आपके पास, ठीक है, इस तरह से आ गई, फिर आपके पास आ गई इस तरह से कुछ चीजें आ गई, अक्सर आप देखिए फिर इस तरह से चीजें आ गई, लिखा होगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसी में कंफ्यूजन होता है, यहां पर कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, उनको बस आपको याद रखना है, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, और कैसे कैसे मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर चलूंगा और करूंगा। जैसे आज हम शुरुआत करते हैं, इस वीडियो से शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के। अब केमिस्ट्री को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर लेता हूं, जबकि कुछ ना कुछ सबको मालूम ही होगा, लेकिन विशेषली चूंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन लोगों को समर्पित है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको वास्तव में केमिस्ट्री में कंफ्यूजन होता है। तो आज मैंने बात किया, अभी देखिए ये क्या है, ये हमने दिखाया कि यहां पे, ये देखो यहां पे सी लिखा, और सी के चारों तरफ हमने क्या दे दिए, सी के चारों तरफ जो है कुछ ना कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, एक लाइन लगी हुई है, ये लाइन लगी हुई है। तो ये लाइन क्या बताती है, इसका जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे एग्जाम्पल के कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब यहां पे जब अगर कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, तो फिर हम इस कार्बन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने ऐसे दिखाया, अब इसी चीज को वैलेंसी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड, और हिंदी में क्या कहते हैं, बंध, ठीक है, हिंदी में बंध, और इसको बॉन्ड। और ये वैलेंसी जो है, वैलेंसी, वैलेंसी यानी संयोजकता, वैलेंसी का मतलब क्या हो गया, संयोजकता, इसी को कहते हैं वैलेंसी, ठीक है, ये हो गया बॉन्ड। अब यहां पे कार्बन है, तो कार्बन को जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन क्या है, टेट्रा जिसे कहा जाता है, यानी इसकी चार संयोजकता है, तो चार चीजें हमको दिखानी है, इसके साथ चार चीजें जुड़ी रहेंगी, ठीक है। वो और डिटेलिंग की बात है, कब कहां कैसे होता है वो इतना नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और यही कारण है कि 4 होने के वजह से इसको इस तरीके से दिखाया गया, मेन वजह जो है यही है। अब कुछ और बात करते हैं, यहां भी हमने दो चीज लिखा। अब ऐसे अगर एन ए मैंने लिख दिया, एन ए, एन ए का मतलब क्या होता है, एन ए, तो इसे आप कहते हैं सोडियम, इसे कहते हैं आप सोडियम, ठीक है, और इसे सोडियम आपने लिख दिया, सोडियम, ये हो गया सोडियम। OH क्या है अब OH ये भी एक ग्रुप है, है ना, जो आगे आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। ये दो चीजें हमारे पास आ गई, यानी हमने इसमें देखा कि Na है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तीन चीजें हैं, वो क्या है, हाइड्रोजन, माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन, और H क्या है, हाइड्रोजन, ये भी तीनों चीजें NaOH। अब इसको हम क्या बोलते हैं, NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये तो सोडियम हो गया, और सोडियम के साथ जैसे एक सरनेम होता है, सरनेम होता है, जैसे मान लीजिए आपका सरनेम है, मैं मान लेता हूं कि एके सिन्हा,
एके खान, वाई के खान, यानी एक नाम हो गया और एक सरनेम हो गया। अब यहां पे एनएवाईएच क्या है, एनएवाईएच, इन्हें एक को मैंने क्या बोला, जैसे मैंने आपको बताया ना एनए क्या है, सोडियम है, जरा समझिए इसको, ये है सोडियम और ओएच। अब हमने क्या लिख दिया कि एनएओएच सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका जो ये जो ग्रुप जुड़ रहा है तो ये क्या है हाइड्रोक्साइड, यानी कुछ हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स होता होगा, यानी उसकी पहचान बता रहा है कि ये पहचान यहां का होगा, इस तरीके का होगा, ठीक है। तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, अब इसी को हमने कर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, NaCl। तो Na का मतलब क्या हो गया, Na का मतलब हो गया सोडियम और Cl का मतलब क्या हो गया क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो क्लोराइड ग्रुप है, ये क्या चीज है क्लोराइड, तो इसको बता रहा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम यहां भी है और सोडियम यहां भी है। एक को हमने लिखा NaOH, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक को हमने लिखा NaCl, यानी हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ और इसी तरह की चीजों को देख लेते हैं। अब हम यहां पे लिख देते हैं H2SO4, हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए क्या क्या हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन है, सल्फर है, और क्या है ऑक्सीजन है, और इनके एटम इसके साथ साथ दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन कितना है, दो है, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी समझते हैं। ये देखिए यहां पे दो चीज, तो इसको हम क्या करते हैं H2SO4 हो गया, H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से हमारे तमाम तरह की चीजें हैं जो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये होता क्या है। पहले उसके नाम को जाने, पहले उसके उस कंपाउंड का नाम क्या है, और नाम अगर है दो चीज करना, अगर केमिस्ट्री में आपको क्या चीज करना है, आपको दो चीज, कब, क्यों और कैसे, ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन, आपको बस इतना रखना है, व्हाट हैपेंड व्हेन, कब, क्यों और कैसे, ठीक है। क्या नाम है इसका, अगर बात करें क्या क्या क्वेश्चन करें, अगर मैंने लिख दिया यहां पे कि NaCl क्या है, ठीक है, तो NaCl आप कहेंगे सर सोडियम क्लोराइड, अगेन क्वेश्चन, क्या आपने देखा है, अब यहां पे क्वेश्चन आता है सोडियम क्लोराइड है, देखा, जी हाँ, आप एवरीडे देखते हैं, इसके बगैर आप रह ही नहीं सकते, इसके बगैर आप रह ही नहीं सकते। आपको इसको क्या कहते हैं, साल्ट, क्या कहते हैं साल्ट, जिसे हम कहते हैं नमक, खाना में नमक पड़ता है ना, खाना में नमक ना पड़े, जो भी आप खाते हैं, डिनर लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, अगर उसमें नमक ना हो तो क्या होगा, कहानी कहानी जो होगी आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया NaCl, यानी इसका जो है केमिकल नेम है, रासायनिक नाम जिसे कहते हैं रासायनिक नाम। और इसी तरह से अगर इसके साथ कुछ इस तरह की बात हम कर देते, जैसे मान लीजिए ओटो लिखा, ये क्या हो गया ऑक्सीजन है, लेकिन यहां दो दिखा रहे हैं, इसको मॉलिकुलर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसके साथ जो कुछ डिजिट का होता है इसके साथ हम इसको जोड़ देते हैं। तो अलग अलग जो है हमारा काम है, अलग अलग उसके स्वभाव है, अलग अलग उसके नेचर है। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए आप एक चीज को देखिए, और मैं आपको इसको बहुत ही इजी बना दूंगा और आप समझ पाएंगे हर एक चीज को बहुत आसानी के साथ साथ, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजों को मैं लिखता हूं और देखिए चेक करिए कितना इसमें है क्लियर है, कितना कंफ्यूजन है। अक्सर ये देखा गया है कि जब इन कंपाउंड को, एलिमेंट्स को, या फिर इनके इक्वेशन और रिएक्शन को जब हम नहीं समझ पाते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम आने लगती है और फिर हमारा इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, हम इससे भागने लगते हैं। लेकिन जब आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, समझ में आती जाएंगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ चीजों को देखते हैं और आप इसमें देखिएगा HCl, या देखिए एक जो है H को हमने कैपिटल लिखा और ये Cl लिखा, दो अलग अलग चीज, फिर NaCl Na2SO4 H2SO4, ठीक है, CO2 SO2 CH4 C2H6 C2H5 SH, ये इस तरह से तमाम तरह के फार्मूले आपके सामने आएंगे, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में आएंगे। ये सारे क्या है, एक जो है इनका
रासायनिक नाम है जिसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं, इनका केमिकल ये फार्मूला। अब देखिए ये क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रो, ये क्या है सोडियम क्लोराइड Na2SO4, क्या हो जाएगा इस तरह से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CH4 हो गया, ठीक है। तो आगे और भी इसको डिटेल लेंगे, C2H6 हो गया, इथेन हो गया, मीथेन हो गया, C2H5 ऐसे जो आपके घर भी यूज होता है, क्या होता है इसे एथिल मर्कप्टेन, ये क्या होता है SH मर्कप्टेन है, बट इसकी डिटेलिंग हमें आज नहीं करनी है। जो घरेलू गैस आती है, जो आप LPG गैस आती है, उसमें जो महक आता है, जो स्मेल आती है, पता चल जाता है कि ये गैस लीक कर रही है, वो क्या होता है एथिल मर्कप्टेन होता है, यानी मर्कप्टेन ग्रुप का चीज होता है, और उसमें वह स्मेल ही हमें बता देती है कि यहाँ पे गैस लीक हो रहा है। तो आपने देखा इस तरीके से हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे और बहुत इजी वे में कर पाएंगे। थोड़ा सा कुछ दिन ट्राई करके देखिए, आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको केमिस्ट्री अच्छा लगने लगेगा, आप केमिस्ट्री बहुत इजी वे में पढ़ पाएंगे। और क्योंकि मेरा मकसद है कि आपकी स्टडी के साथ साथ हम नीट की IIT एंड JEE की तैयारी करें, अच्छी तरह से तैयारी करें, और पहली बार में हम लोग इस चीज को पास करें, आप नीट को पास करें, IIT को पास करें, मकसद यही है, मेहनत आपका कोशिश हमारी। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।